जानिए इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है 8 अगस्त का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 8 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। भारत को आज़ाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई और इसके लिए कई प्रकार की क्रांतियाँ भी हुई, जिसमें से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यह आंदोलन ऐसे समय प्रारंभ किया गया जब दुनिया काफ़ी बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पश्चिमी युग लगातार जारी था। पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जब आंदोलन भारत की आज़ादी को मजबूत जमीन तैयार हो रही थी, उसी समय स्वतंत्रता के बीजों को बोना बचा था। आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की असफल होने में लगभग 4 महीने के बाद स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन आरंभ हो गया था। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है। वहीं आज के ही दिन 2009 में मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन हुआ था। अभिनेता हबीब तनवीर मशहूर पाठकता लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि थे। 2002 में आतंकीवादी संगठन अबू सयाफ के विरुद्ध फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अभियान शुरू करने का आदेश दिया। 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अयुद्ध नज़ारा फिर देखा गया। हबीब तनवीर ने 50 वर्ष की अपनी लंबी रंग यात्रा में 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया। शतरंज के मोहरे, लाल शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, पूंगा पंडित, द ब्रेकिंग ब्रिज, जहरीली हवा और राज रक्त उनके मशहूर नाटकों में शुमार हैं। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 2009 में 8 जून के ही दिन भोपाल में 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।